आरसीबी बनाम केकेआर हाइलाइट्स, एक तरफा मुकाबला में केकेआर की शानदार जीत। आईपीएल 2024 के 10वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी को उनके घरेलू मैदान पर 7 विकेट से हरा दिया। इस एक तरफा मुकाबले में केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने विराट कोहली की नाबाद 83 रनों की पारी की बदौलत 20 ओवरों में 182 रन बनाए। जवाब में केकेआर की टीम ने सिर्फ 3 विकेट खोकर लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए सुनील नारायण को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैच का सार। टॉस जीतकर केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। विराट कोहली और कप्तान फाफ डू प्लेसी ने आरसीबी की पारी की शुरुआत की। फाफ केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभाला। नंबर 3 पर आए कैमरून ग्रीन और फिर नंबर 4 पर आए ग्लेन मैक्सवेल के साथ कोहली ने अहम साझेदारी निभाई। पावर प्ले में कैमरून ग्रीन के साथ कोहली ने 61 रन बनाए। दोनों के बीच 42 गेंदों में 65 रनों की बेहतरीन साझेदारी हुई। ग्रीन 21 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए। वहीं मैक्सवेल ने 19 गेंदों में 28 रन बनाए। इसके बाद अनुभवी दिनेश कार्तिक ने 8 गेंदों में 20 रनों की तूफानी पारी खेली। विराट कोहली पूरी पारी खेलकर 59 गेंदों में नाबाद 83 रन बनाकर लौटे। यह इस सीजन में उनका लगातार दूसरा अर्धशतक है। इस तरह आरसीबी ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में केकेआर को 183 रनों का लक्ष्य दिया। केकेआर की पारी का दबदबा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की टीम को फिल साल्ट और सुनील नारायण ने धमाकेदार शुरुआत दिलाई। साल्ट ने 20 गेंदों में 30 रन बनाए और नारायण ने 22 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद वेंकटेश अय्यर ने 30 गेंदों में 50 रनों की आतिशी पारी खेलकर मैच को एक तरफा कर दिया और साथ ही कोहली की 80 रनों की पारी को फीका कर दिया। वहीं श्रेयस अय्यर ने 24 गेंदों में नाबाद 39 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। इस जीत के साथ ही घरेलू मैदान पर मेजबान टीम की लगातार जीत का सिलसिला भी टूट गया।